friends, welcome to my channel Design by Faizan. How to use crop tool and perspective crop tool Adobe Photoshop CS6. So friends, आज हम इन दोनों tools के बारे में बात करेंगे. एक तो है crop tool जो simple photo को crop करता है और किस किस तरीके से करता है ये जानेंगे. और एक जो perspective crop tool है वो बहुत amazing crop tool है. वो किस लिए? क्योंकि हम उस tool से 3D images में से कोई भी object या subject हम हासिल कर सकते हैं. वो कैसे, जानने के लिए आज की वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक टिक ले ली है, आप देख सकते हैं इसकी ये जेपिक फाइल है. अब मैं यहाँ पे क्रॉप टूल एक्टिव करता हूँ. तो फ्रेंड्स, मैं जैसे ही क्रॉप टूल एक्टिव करूँगा तो आप देख सकते हैं क्रॉपिंग की लाइन्स आ गई हैं इसमें. तो फ्रेंड्स, आपको मैं पहले प्रॉपर्टी बार से समझा दूँ. ये प्रॉपर्टी बार में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाऊँगा तो इसके साइजेस हैं कि आप किस साइज में अपनी पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं. ये यहाँ से आप साइजेस भी दे सकते हैं, और अगर आप अपना साइज देना चाहते हैं तो वो यहाँ आप दे सकते हैं. यहाँ पे विड्थ, यहाँ पे हाइट, यहाँ पे विड्थ शो कर सकते हैं. तो फिर इसी उतनी साइज की आपकी पिक्चर कट हो जाएगी. और फ्रेंड्स, ये जो है ये क्रॉप रोटेट द बॉक्स है, ये क्रॉप को रोटेट कर देगा आपकी पिक्चर को और फिर क्रॉप करेगा. वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ. और फ्रेंड्स, आप यहाँ जो देख रहे हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊँगा. फ्रेंड्स, मैं आपको क्रॉप करके बताता हूँ. आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं जैसी क्रॉपिंग पे ला रहा हूँ ये एरो, तो क्रॉप कर रहा हूँ पिक्चर को, तो यहाँ पे लाइंस बन गई. तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं रूलर ऑफ ट्रैक, ग्राइड, डायगोनल, ट्राइंगल और भी ऑप्शंस. ये आप क्लिक कर करके देख सकते हैं. मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्सेस में ये कट होगी पिक्चर. बॉक्सेस में कट नहीं होगी, बस यहाँ आपको एक मेंशन करने के लिए कि आप अपना डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं क्रॉप का. यहाँ से डायगोनल भी कर सकते हैं. आप देखें, अब ये डायगोनल हो गया. आप देख सकते हैं मैं जैसे यहाँ पे करूँगा फिर कट, फिर येस करूँगा तो बिल्कुल पिक्चर क्रॉप हो गई. बस वो आपको एक डिज़ाइनिंग अलग अलग आप वहाँ से जो आपको पसंद हो वो चेंज कर सकते हैं. और भी ऐसे ही हैं, आप जो दिल चाहे वो कर सकते हैं. और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ऑटो शो ओवरले, तो ये अब जब आप क्रॉप करेंगे बस जब ही शो होगी, वरना शो नहीं होगी ये लाइंस. और अगर आप ऑलवेज शो ओवरले पे कर देंगे तो आपको ये नज़र आएंगी जब आप क्रॉप कर रहे होंगे उसके दौरान. और इसके नीचे नेवर शो, तो ये बिल्कुल भी शो नहीं होगी जब आप छोटे करेंगे क्रॉप को या बड़े करेंगे. तब जो आपको ठीक लगे वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं. और ये जो आखिरी बटन है, या आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे चेंज होंगे. आप देख सकते हैं, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो ये नीचे आ गया क्लिक. अब मैं वापस से क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ऊपर से लगे चेंजिंग बटन. और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ. तो फ्रेंड्स, ये एक थ्रेड की तरह काम करता है. वो कैसे, या आपके पिक्चर पे ड्राइंग की तरह एक ड्रा होगा. आप देख सकते हैं कि मैंने ड्रा करा और अब ये देखें, अब ये ऐसे आपकी पिक्चर घूम जाएगी और ये बस जितना हिस्सा क्रॉप करेगा. अब मैं अपना थ्रेड अगर मैं कहीं भी घुमाऊँ तो आप देख सकते हैं क्रॉपिंग वहीं की वहीं रहेगी, बस आपकी पिक्चर वो मूव करेगी. आप अपनी पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं, जिस एंगल में आप चाहे क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्रॉपिंग वहीं की वहीं रहेगी. ओके, और अब मैं वापसी करता हूँ और वापसी इसको क्रॉप करता हूँ और अब देखें ये थ्रेड में चले जाएगी. आप जहाँ थ्रेड को करेंगे, थ्रेड बनाएंगे, वैसी मिल जाएगी, उस एंगल में ये रोटेट हो जाएगी. तो फ्रेंड्स, ये खाली रोटेट करने के लिए है क्रॉपिंग. रोटेट पे आप देख सकते हैं क्रॉप बॉक्स रोटेट हो रहा है. पहले यहाँ था, अब मैं और रोटेट कर सकता हूँ, फिर और रोटेट कर सकता हूँ, फिर और. तो ये खाली क्रॉप बॉक्स को रोटेट करने के लिए. अगर आप लंबाई में काटना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो लंबाई में क्रॉप बॉक्स हो जाएगा और आप लंबाई में काट सकेंगे अपनी पिक्चर को. अगर आप स्क्वायर में काटना चाहते हैं तो स्क्वायर में हो जाएगा ये. तो ये ऐसे रोटेट होगा क्रॉप बॉक्स. अगर आप अपना साइज देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, तो
और यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज आ गया 1/2 पिक्सल। ऐसे ही आप अपने साइज दे सकते हैं, मैं यहाँ पे 3 कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 कर सकता हूँ, यहाँ पे 4 कर सकता हूँ, ऐसे आप अपना साइज दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया कि ये सिंपल एक क्रॉपिंग टूल है। आप कोई भी अपनी पिक्चर को आपको क्रॉप करना है, अगर आप इजाफी पार्ट है उसमें आपको वो अच्छा नहीं लग रहा और आप चाहते हैं वो जो इजाफी पार्ट है आपकी इमेज में से ख़त्म हो जाए और सिर्फ आप उसमें नज़र आए, जैसे देख सकते हैं मैं आपको क्रॉप करके दिखाता हूँ, खाली एक बास्केट और ये बच्चा जिसमें आए, आप देख सकते हैं जैसे मैं करूँगा तो क्रॉप हो गई, बस ये इतना साइज बचा है, इस इमेज का भी साइज कम हो गया। तो ऐसे सिंपल आप क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम टूल पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, रिस्पेक्टिव क्रॉप टूल जो मैं बता रहा था, तो कोई भी इमेज आपकी 3D हो और आपको उसमें से कोई सब्जेक्ट निकालना हो तो वो आप रिस्पेक्टिव क्रॉप टूल से आसानी निकाल सकते हैं। वो कैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये देख सकते हैं ये जो पिक्चर खिंची हुई है ये 3D पे खिंची हुई है, ये 2D नहीं है। आप देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल एक फ्लैट नहीं है, 3D में चल रहा है, जिसमें विंडो भी आ रही है, LCD भी, बैकग्राउंड भी, वॉल का ऐसे 3D मूवमेंट में चल रही है और ऊपर की छत भी आ रही है, तो एक 3D मूवमेंट में चल रही है। अब फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस पूरी पिक्चर में सिर्फ ये LCD की ज़रूरत है, मुझे कोई मैं वर्क कर रहा हूँ और मुझे ये उस वर्क में ये LCD चाहिए, तो अब मैं LCD अगर मैं किसी भी टूल से कट करता हूँ, या मैग्नेटिक लॉसर टूल से, या फिर मैं किसी भी टूल से, सिलेक्शन टूल से या पेन टूल से, जिससे भी मैं कर लूँ, वो बिल्कुल फ्रंट नहीं आएगी इमेज। जैसे मैं अभी आपको काट कर दिखाऊंगा, मैं चाहता हूँ फ्रंट आए, बिल्कुल LCD की इमेज बिल्कुल फ्रंट आए, अगर मैं किसी टूल से काट लूँ तो फ्रंट नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसी ही आएगी जैसे ये दीवार पे अभी वॉल पर लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक काट के दिखाता हूँ, मैं जूम करा, तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं प्रिस्पेक्टिव क्रॉप टूल को एक्टिव करता हूँ। प्रिस्पेक्टिव क्रॉप टूल को मैंने एक्टिव कर लिया है और अब मैं यहाँ पे जाके लेफ्ट क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट बन गया और यहाँ पे अब एक स्ट्रेच यानी एक थ्रेड बन गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थ्रेड बन गया, और अब मैं LCD के इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा। तो अब मैं जैसे इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जाल सा बन गया। अब ये जाल क्या कर रहा है, ये क्रॉप का जाल, क्रॉपिंग का जाल। अब मैं इसको जहाँ तलक मैं LCD को अपने क्रॉपिंग में लाऊँगा, अब यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे पूरी LCD चाहिए, और फिर आप देख सकते हैं फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप देखें इस पूरी क्रॉपिंग में LCD कवर हो गई। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जितना ये एरिया है ये भी ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपसे क्रॉपिंग कुछ जैसे मुझसे नीचे की ज़्यादा हो गई, मैं आपको दिखाऊँ, मुझसे देखें नीचे की क्रॉपिंग ज़्यादा हो गई, इसमें इजाफे पार्ट आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये एरो आ रहे हैं। जैसे मैं इस पॉइंट पे एरो पे पर करूँगा तो ये मेरी क्रॉपिंग कम हो सकती है, मैं कोई इशू नहीं। अगर आपसे कोई क्रॉपिंग ज़्यादा हो गई, उसको आप कम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं पूरी LCD को मैंने प्रिस्पेक्टिव क्रॉपिंग टूल से मैंने इस पूरी LCD को सिलेक्ट कर लिया, क्रॉप कर लिया। अब मैं जैसे इस पर येस प्रूव है यानी क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये LCD आ गई है, जो मुझे अपनी 3D इमेज में से चाहिए था जो सब्जेक्ट। ऐसे आप जो भी 3D इमेज है, आप कोई भी कोई पिक्चर वॉल पे लगी है आपको अगर वो निकालनी है तो वो भी बहुत सिंपल आसानी से आप निकाल सकते हैं। मैं इस 3D इमेज में से कुछ भी ऐसे फ्रंट से निकाल सकता हूँ कोई भी चीज़। तो फ्रेंड, ये थे प्रिस्पेक्टिव क्रॉप टूल का काम। अगर आपको कोई भी 3D इमेज में से कोई पिक्चर निकालना हो, जैसे मैंने अभी आपको LCD निकाल के दिखाई, और भी कोई 3D इमेज में से आपको कोई पिक्चर पिक को निकालना हो तो आप वो बासानी
perspective crop tool से निकाल सकते हैं। crop tool और perspective crop tool दोनों tool बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब आप इस पर practice करिएगा और जितने tool सीख चुके हैं उन पर भी practice करिएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो वापसी वीडियो देखिएगा और फिर प्रैक्टिस करिएगा, तो मुझे यकीन है आपको वो चलाने सही आ जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो में क्या मिस्टेक है या आपको कौन सा टूल समझ में नहीं आया, उसमें क्या कमी थी, आप वो भी लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको मैं जवाब दूँगा। और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें क्योंकि नॉलेज बांटने से कभी ख़त्म नहीं होती बल्कि बढ़ती है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, खुदा।